जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं चैनल बोल रहा हूँ उसमें तो उसे अभी नया वीडियो लेके आया। उसमें हवा में विस्फोट, मिशन पूरा होने से पहले आसमान में जापानी रॉकेट के उड़े पर खच्चे, वीडियो हुआ बादल। ये कौन सा रॉकेट है? जापानी रॉकेट है जिसके पर खच्चे उड़ गए, हवा में फट गया है पूरी तरह से। मात्र 11 सेकंड में ये रॉकेट, 0 से 11 सेकंड, 0 to 11 seconds, मात्र 11 सेकंड में ही एक रॉकेट से ये विस्फोटक के रूप में बन गया है। आइए देख लेते आगे। ये डिजिटल डेस्क नई दिल्ली की खबर है। जापान की प्राइवेट कंपनी ने बुधवार को अंतरिक्ष कक्षा में भेजने के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया था। किसकी? जापान की प्राइवेट कंपनी है जिसने इसको रॉकेट भेजना चाह रहा था, एक रॉकेट लॉन्च किया। लेकिन आसमान में उड़ान भरते ही रॉकेट में तेज विस्फोट के साथ उसके पर कच्चे उड़ गए, यानी चूर चूर हो गया। जानकारी के मुताबिक जापान की प्राइवेट कंपनी ने कैरोस नाम के रॉकेट की लॉन्चिंग की थी। रॉकेट का क्या नाम था? कैरोस नाम था। यह आपको जीके के क्वेश्चन में पूछ सकता है, याद रखिएगा। क्या नाम था? कैरोस। जापान की प्राइवेट कंपनी थी कैरोस। ऐसे में कंपनी का मिशन फेल हो गया, मिशन तो फेल हो ही गया, रॉकेट फट गया। तो इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य जापान के वाकायामा प्रांत स्थित आपतीय क्षेत्र में कैरोस रॉकेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जा रहा था। कौन सा क्षेत्र है? वाकायामा प्रांत। कैरोस रॉकेट को प्रक्षेपित किया जा रहा था, मगर लॉन्चिंग के कुछ समय बाद ही रॉकेट में ब्लास्ट हो गया। मात्र 11 सेकंड में ब्लास्ट हुआ, इसका वीडियो भी आपको आगे दिखाएंगे। ऐसे में जापान का यह रॉकेट मिशन पूरा होने से पहले फेल हो गया। ये रॉकेट है, ऐसा दिखता है, राइट साइड में आपको फोटो दिख रहा होगा। इसका क्या, कुछ दिन पहले ट्वीट एक्स में ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि रॉकेट के हवा में फटने से आसमान के इलाकों में धुआं और आग की लपटें फैल रही है। इस धमाके के बाद यहाँ ब्लास्ट, जहाँ ब्लास्ट हुआ है वहां पर पानी डाला गया है। इससे टोक्यो की स्टार्टअप स्पेस वन ने बनाया था। फिलहाल इस घटना को लेकर कंपनी की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। किस कंपनी बनाया? टोक्यो की स्टार्टअप कंपनी ने स्पेस वन, स्पेस एक्स नहीं, स्पेस वन ने बनाया स्पेस वन। टोक्यो की स्टार्टअप कंपनी स्पेस वन। फिलहाल इस घटना को लेकर कंपनी की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया। ऐसा रॉकेट था, मात्र 11 सेकंड में ऐसा बन गया, यानी विस्फोट से धुआं धुआं हो गया। इसका वीडियो भी आप देख सकेंगे, आगे क्लिप लगा दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।